जिस तरह क्रिकेट में हर बल्लेबाज का एक अंदाज होता है, उसी तरह गेंदबाजी में भी हर गेंदबाज का एक अलग ही अंदाज होता है। आमतौर पर गेंदबाजों के एक्शन में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, लेकिन अपवाद हर जगह मौजूद होते हैं और यहाँ भी है। क्रिकेट में बहुत से गेंदबाजों के एक्शन कुछ ऐसे कि सामने वाला बल्लेबाज एक्शन से ही चकमा खा जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब अंदाज में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों को, जिन्होंने अपने गेंदबाजी एक्शन के दम पर ही क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। एक, पॉल एडम्स। साउथ अफ्रीका के इस चाइनामैन गेंदबाज ने अपने अजीबोगरीब एक्शन के चलते काफी सुर्खियां बटोरी थी। एडम्स ने अपने 15 टेस्ट मैचों में 134 विकेट चटकाए हैं। उनके इस अजीबोगरीब एक्शन के कारण उन्हें फ्रॉग इन अ ब्लेंडर भी कहा जाता है। 90 के दशक में इस गेंदबाज का नाम महान गेंदबाजों में गिना जाता था। दो, सिविल कैशिक। 2017 के आईपीएल में ये गेंदबाज भी अपने अजीबोगरीब एक्शन के चलते काफी चर्चा में रहा था। सिविल एक चाइनामैन गेंदबाज हैं। साल 2016 से 2017 तक सिविल आईपीएल में गुजरात लायंस के लिए भी खेल चुके हैं। सिविल का गेंदबाजी एक्शन पॉल एडम्स से काफी मिलता जुलता है। अपने गेंदबाजी एक्शन की वजह से वो बल्लेबाजों को चकमा देने में कामयाब होते हैं। तीन, शिवा सिंह। 16 अक्टूबर 1999 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जन्मे शिवा सिंह उर्फ 360 डिग्री गेंदबाज अपने अजीबोगरीब गेंदबाजी एक्शन के चलते काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। इस गेंदबाज का एक वीडियो सामने आया जब इस गेंदबाज ने पूरा चक्कर लगाकर गेंद डाली। इस गेंदबाज ने पूरा 360 डिग्री घूमने के बाद गेंद डाली। अंडर 19 सीको नायडू ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ शिवा ने इस गेंदबाजी एक्शन के साथ गेंदबाजी की। इस रोचक मुकाबले में शिवा ने गेंद डालने से पहले 360 डिग्री का चक्कर लगाया और दाएं हाथ के बल्लेबाज को लेग स्टंप पर बॉल डाली। हालांकि इस बॉल को अंपायर साहब ने डेड बॉल करार दिया, जिस पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी खासे नाराज दिखे। टीम का तर्क था, अगर कोई बल्लेबाज घूम सकता है तो फिर कोई गेंदबाज क्यों नहीं घूम सकता। खिलाड़ियों की बात सुनने के बाद अंपायर विनोद ने लेग अंपायर रविशंकर से बात की और इसे डेड बॉल करार दे दिया। इस वीडियो ने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। चार, केविन कोथिगोड़ा। श्रीलंका के युवा लेग स्पिनर केविन कोथिगोड़ा। आप पॉल एडम्स के बारे में जरूर जानते होंगे, जो अपने अजीबोगरीब एक्शन की वजह से काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि केविन का एक्शन पॉल एडम्स से भी बेहद मुश्किल और उलझाऊ है। अबू धाबी की T10 लीग से चर्चा में आए केविन कोथिगोड़ा ने एक मैच में वॉटसन को अफ्रीका चाइनामैन गेंदबाज एडम की याद दिला दी। हालांकि पॉल एडम्स का एक्शन केविन कोथिगोड़ा से थोड़ा आसान था, लेकिन सही बात तो केविन के कोच धमिका सुदर्शन ने बताई। धमिका ने बताया कि केविन का एक्शन बिल्कुल अलग किस्म का है, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल है। उन्होंने बताया कि शुरू में केविन को सही लाइन और लेंथ नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वो गेंद करते समय पिच नहीं देख पाता था, लेकिन अब उसने अपनी लाइन और लेंथ में जबरदस्त सुधार किया है। पांच, मनोज तिवारी। भारतीय टीम का हिस्सा रहे मनोज तिवारी और आईपीएल में पंजाब की तरफ से खेलते हुए मनोज तिवारी ने अपने पहले मैच में ही एक ओवर बॉलिंग की थी। उन्होंने इस ओवर में ना तो ज्यादा रन खाए और ना ही कोई विकेट हासिल की, लेकिन मनोज तिवारी ने इस ओवर में रातों रात सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था। आपको बता दें, मनोज तिवारी के अजीबोगरीब एक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने खूब मजे लिए। 8वां ओवर फेंकने आए तिवारी ने जैसे ही पहली बॉल डाली, दर्शक और कमेंटेटर उनका एक्शन देखकर दंग रह गए। तिवारी साहब श्रीलंकन गेंदबाज मलिंगा की तरह साइड आर्म एक्शन से बॉलिंग डाल रहे थे। कुछ लोगों ने उनको सेकंड मलिंगा भी कहना शुरू कर दिया था। 6, अजंता मेंडिस। अजंता मेंडिस उर्फ मिस्ट्री बॉलर ने बल्लेबाजों को काफी समय तक परेशान किया था। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक बॉलिंग करने वाले श्रीलंका के जादुई गेंदबाज मेंडिस को मिडिल फिंगर से गेंद फेंकने में महारत हासिल थी। उनके द्वारा डाली गई गेंद सामने बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज को कुछ तिरछी आती हुई दिखाई देती थी। मेंडिस को क्रिकेट में मिस्ट्री बॉलर का खिताब भी दिया गया था।
इन्होंने T20 क्रिकेट में दो बार एक पारी में 6 विकेट लिए हैं। इनकी कैरम बॉल बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली बनकर रह गई थी। साथ मलिंगा, श्रीलंका का ऐसा बॉलर जिसके सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की टांगे कांपने लगती हैं। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने अजीबोगरीब एक्शन को लेकर मैदान पर उतरा था, जिस कारण उनका एक्शन कई बार शक के दायरे में भी आया। मलिंगा अपने इस एक्शन की वजह से काफी चर्चा में रहे। कई क्रिकेट प्रेमी उनके इस एक्शन की कॉपी भी करने लगे थे। मलिंगा को उनकी स्पीड, अजीबोगरीब एक्शन और उनकी यॉर्कर उन्हें खतरनाक बॉलरों में शुमार करती है। अपने इसी वेरिएशन की वजह से मलिंगा ने न्यूजीलैंड के साथ एक मैच में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट चटकाए थे। आठ, सोहेल तनवीर। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर भी अजीबोगरीब एक्शन के साथ गेंदबाजी करते थे। तनवीर अपने इस गेंदबाजी एक्शन के कारण बल्लेबाजों को चकमा देते थे, साथ ही उन्हें इस गेंदबाजी एक्शन की वजह से आउट स्विंग करने में भी मदद मिलती थी। उनके इस एक्शन की वजह से बल्लेबाज चकमा खा जाते थे। शुरू में उनके एक्शन को समझने में बल्लेबाजों को खासी परेशानी हुई। नौ, जसप्रीत बुमराह। मौजूदा भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भी अजीबोगरीब एक्शन वाले गेंदबाजों के लिस्ट में शुमार हैं। बुमराह क्रीज के एक कोने में जाकर स्लिंगिंग एक्शन से गेंद करते हैं, जिसकी वजह से उनको यॉर्कर फेंकने में मदद मिलती है। आज जसप्रीत बुमराह स्टार बॉलरों में शुमार हैं। दस, जेफ थॉम्सन। 70-80 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेफ थॉम्सन ने भी अपने अलग एक्शन के कारण बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था। थॉम्सन की गेंदों में गति तो थी ही, साथ ही उनका एक्शन उनको और खतरनाक बना देता था। जेफ थॉम्सन उस समय के स्टार बॉलरों में शुमार थे। दोस्तों, आपको किस बॉलर का एक्शन सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को अवश्य दबा दें, जिससे ये हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।